नमः शिवाय। आज जन्म लेने वाले जातक मघा नक्षत्र में पैदा होंगे। यह नक्षत्र दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र में जन्मे जातक धनी, धार्मिक, स्वाभिमानी, अस्पष्टवादी, जुझारू, साहसी और जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक और सफल होंगे। मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी पड़ेगी। दोपहर के बाद जन्मे जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेंगे। उनकी भी सिंह राशि रहेगी, मगर नक्षत्र शांति की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों राहु और चंद्रमा के एक साथ होने की वजह से जो पारिवारिक तनाव और मानसिक उलझन बनी हुई थी, वह आज चंद्रमा के सिंह राशि में जाने की वजह से खत्म हो गई है। आपकी कार्य ऊर्जा फिर पहले जैसी बरकरार हो जाएगी। काम करने में मन लगेगा, मन के नकारात्मक विचार छटते जाएंगे। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का समय चल रहा है, प्रयास करें, सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में अनुकूलता महसूस होगी और पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। पारिवारिक उत्सव या किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। मन के नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आर्थिक पक्ष और कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। राजकीय सहयोग बना हुआ है। कार्य व्यवसाय के उत्थान में आपका प्रयास सफल होगा। अपने रचनात्मक विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने का समय अनुकूल हो गया है। सरकारी विभाग या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। आपके हर प्रयास सार्थक होंगे। मित्र सहयोगियों की सलाह आपके लिए बाधा कारक हो सकती है। अपनी सोची ही योजना को क्रियान्वित करें, सफल रहेंगे। पत्नी की सलाह भाग्यवश आपके काम को लाभ पहुंचा सकती है। धन संबंधी मामलों में आपकी वाणी की मिठास सहायक होगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, हर काम में मन लगेगा। सरकारी विभाग व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का दौर चल रहा है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करें, सफलता मिलेगी। विरोधी पक्ष दबा हुआ रहेगा। न्यायालय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई रहेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आज आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, मगर मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा व सुख समृद्धि बढ़ेगी। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। कुछ अच्छे कामों में खर्च होगा। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। आपके व्यवसाय या संतान पक्ष पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक पक्ष मजबूत है। रचनात्मक विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करें, लाभ मिलेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी, जो कि शाम तक अनुकूल हो सकती है। मित्रों के साथ पारिवारिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए विचारों में उग्रता, वाणी में तीखापन बना रहेगा। किसी से बहस ना करें, अपनी व्यवहार पर संयम रखें। कार्य व्यवसाय में सुधार की प्रक्रिया पर जोर दें। आर्थिक मामलों में अनुकूलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को मानसिक दबाव महसूस होगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। शाम के बाद दिमागी शांति, हर्ष और अनुकूलता महसूस करेंगे। किसी पार्टी या समारोह में सम्मिलित होने का योग बना हुआ है।
आज मन में सकारात्मक विचार आते रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बौद्धिक कार्यों या जनसंपर्क बनाने के मामले में सफल रहेंगे, संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति होगी। हाँ, इस बात का खास तौर से लंबे समय तक ध्यान रखें, शनि का केतु के नक्षत्र में होना और आपके दूसरे घर में गोचर करना मन में शंकालु प्रवृत्ति को पैदा करता है, इसलिए मन में नकारात्मक विचारों को जगह ना दें। अपने शारीरिक और मानसिक श्रम के चक्कर में सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष को नज़रअंदाज ना करें। वाणी में तीखापन या कटुता के कारण लोग आपसे कटते हुए से महसूस होंगे, जो कि व्यवहारिकता में कमी कर सकता है। अपने व्यवहार को मृदु बनाएं। हालांकि आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है, धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। शाम की शुरुआत खुशी और प्रसन्नता से होगी। अपने मन के अंतर्द्वंद को दिल से नहीं दिमाग से विश्लेषण करते हुए अपने प्रयास को मूर्त रूप देने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि शासन सत्ता और अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में है। आर्थिक लाभ और जीवन में उत्थान का दौर चल रहा है। प्रयास करें और लाभ उठाएं। आवश्यक कार्य के निर्णय लेने में आज आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। मन में विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। दिन भर का निर्णय लाभकारी हो सकता है, मगर शाम के बाद महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। वाद विवाद व न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। मन में धार्मिक भावना बनाकर रखें, अनुकूलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावहारिक पक्ष अनुकूल रहेगा। आज महत्वपूर्ण काम में मन पूरी तरीके से नहीं लगेगा। सक्रियता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यवसाय या आय संबंधी मामले में दिन सामान्य रहेगा। शाम के बाद ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। दिन भर के रुके काम शाम को भाग्यवश संपन्न हो सकते हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।